नमस्कार, जय हिंद। हम सभी हैं 77 साल से स्वतंत्र देश के निवासी और 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी घटना हुई है जिसको बयां कर पाना बहुत जटिल है। जी का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। 10 अगस्त 2024 को एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर की बॉडी जो है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मिलती है, जिस पर स्टार्टिंग में उसको एज अ सुइसाइड शो करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें उसको साइकेट्रिक पेशेंट बता करके सुइसाइड दर्शाया जाता है। परंतु जब इसके प्रति आक्रोश बढ़ता है, दबाव बनता है, तब इस पर PM किया जाता है, पोस्टमार्टम किया जाता है, और उसमें मालूम पड़ता है कि उस महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ है और उसका मर्डर किया गया है। और सिर्फ रेप नहीं, गैंग रेप। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। उसके बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स के प्रति आक्रोश, उनके प्रति आक्रोश जो है जग जाता है, और वो सब मिल करके एक पीसफुल प्रोटेस्ट को जो है ऑर्गेनाइज करते हैं पूरे देश भर में, जो कि अभी भी चल रहा है और इनडेफिनेटली चलने वाला है। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो डेरोगेटरी कमेंट्स करते हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कैलकाता मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर उनको एक्सेप्ट नहीं करके बल्कि वहाँ पर ज्वाइन नहीं करने दिया जाता है। उसके बाद जब प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो 14 और 15 अगस्त की रात में करीब 1 बजे के आसपास हजारों की संख्या में गुंडे आजकल मेडिकल कॉलेज के कैंपस में जाते हैं, वहाँ पर जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारपीट करते हैं, वहाँ का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते हैं, और वहाँ पे जितने भी एविडेंसेस जो है क्राइम सीन्स के आसपास होने चाहिए थे उस सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सब होता है 15 अगस्त की रात को, जब हमको इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए था और प्राउड फील करना चाहिए था, लेकिन ये इंडिपेंडेंस डे एकदम ही काला नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है। ऐसे में हर व्यक्ति का होप्स, हर व्यक्ति का जो देश के प्रति प्राउड फीलिंग था वो ज़ीरो हो जाता है। लेकिन इन सबके बीच में एक चिंगारी का होप ज़रूर मुझे नज़र आता है, और वो है कि जिस प्रकार से मेरे सीनियर्स, मेरे बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स और देश भर में डॉक्टर्स और भी बाकी सब लोग जो हेल्प करने के लिए आगे बढ़े हैं, जो प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, उन सब में मैंने पर्सनली एक लीडरशिप, एक पॉलिटिशियन की क्वालिटी, एक ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी, कई सारों में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटी, और डेफिनेटली एक अच्छे डॉक्टर की क्वालिटी हमने देखी है। तो आने वाले समय में, चूंकि कोई भी देश युवा पीढ़ी से बनता है, जो यूथ होता है वही देश को बनाता है, मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में जो भारत है वो अगर इस प्रकार से व्यक्ति चलेंगे तो एक सक्सेसफुल जो है हमारा देश बन सकेगा, एक आने वाले समय में जो ग्लोरी इंडिया की रही थी वो वापस आ सकेगी। ये एक होप के साथ हम इस 78th इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप सभी को प्रोटेस्ट में हेल्प करना चाहिए, ख़ासतौर पर जो नॉन मेडिकोज हैं। आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, आप ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकती हैं, हमको ये समझना चाहिए कि वो एक डॉक्टर से पहले एक महिला थी जो कि अपने वर्क प्लेस में, अपने कार्यस्थल में कार्यरत थी, और उनके साथ ऐसी दुर्घटना होना किसी भी समाज के लिए या किसी भी देश के लिए एक बहुत शर्मसार करने का विषय है, और हम सबको मिलकर के इसमें भागीदारी शो करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको जाकर के प्रोटेस्ट में बैठ जाना या हड़ताल करना है, अगर आप सिंपल सा एक स्टेटस भी शेयर कर पा रहे हैं जिससे कि और लोगों को मालूम पड़ पा रहा है तब ये बहुत अच्छा होगा, और आप सक्सेसफुली जो है इसमें प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। आप सिर्फ लिख सकते हैं हैशटैग जस्टिस फॉर खालपर, और जब आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप उनको ये सारा जो है बयां बता सकते हैं, और उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हर एक सेक्टर सोसाइटी का जुड़ता है, जिस प्रकार से ये मुट्ठी बनाने के लिए हर एक उंगली की आवश्यकता रहती है, उसी प्रकार से जब हर सेक्टर जुड़ करके एक मुट्ठी बनता है तब हम बहुत स्ट्रांगली जो है प्रोटेस्ट कर पाते हैं, हम अपनी बात को रख पाते हैं। इसी के साथ
बहुत बहुत धन्यवाद, आप आखिरी तक वीडियो में जुड़े रहे। अगर एक भी व्यक्ति इसके बाद ये मैसेज को शेयर करता है या खाल पार के लिए अपना प्रोटेस्ट शो करने का प्रयास करता है, तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो बहुत बहुत मतलब सक्सेसफुल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।